सो गाइस अभी सुबह के बज रहे 7:40, तो अभी हमने सुबह सुबह मोबाइल चार्ज भी लगा दिया था, थोड़ा मोबाइल चार्ज हो गया है। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और गौरी बहुत ज़्यादा खुश है, तो हमारी जो सिस्टर है उसने बहुत ज़्यादा हमारे लिए पैसे भेजे हैं। बहन जहाँ रहो खुश रहो, तो गौरी कह रही है आप बहन जहाँ भी रहो खुश रहो, तो हमारी ये दुआ है कि आप मुस्कुराती रहो और कभी दुख का दिन ना देखो। तो आपने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसे जब हालात होते हैं तो अपने भी छोड़ देते हैं और हमें छोड़ दिया है, लेकिन जब आपने हमारा इतना बड़ा सपोर्ट किया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे गौरी अभी ना हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुकम्मल हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो हम लेके आएंगे। शुक्रिया करते हैं और दिल से थैंक यू कहते हैं सिस्टर, आपने हमारी ऐसे हालात में मदद की। तो गौरी अभी बताओ क्या चीज़ें लेनी है? एक पेटी और दिल्ला पकौड़ा गाटा। गौरी ने बहुत ज़्यादा आज फरमाइश कर रही, तो वो चीज़ें हम खाने पीने वाली अच्छी अच्छी लेके आएंगे। सुबह सुबह हमने मोबाइल चार्ज भी लगा दिया, कुछ हो गया अभी और मैं लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा शहर, तो वहां से मोबाइल को भी चार्ज करके आऊंगा। पानी भर के देगी मुझे, मैं नाश आके तैयार होके फिर मैं चला जाऊंगा शहर। खाने पीने वाली चीज़ें लेके आऊंगा, बोतल भी लेके आऊंगा, सही है आपके लिए? सही है, खाने पीने वाली चीज़ें हमारी कोड़ी वगैरह अंदर चली जाती है। अभी गौरी आ गई है पानी भर के, तो अभी मैं नहाऊंगा नाश आके फिर मैं चला जाऊंगा शहर। बाल्टी को ये पानी साफ, इसमें हम नहाते हैं, तो वो पानी है ना वो साफ नहीं है, वो हम देते हैं सब्जी को। हाँ अभी मैं नाश आके हो गए फ्रेश, तो अभी कंघी वगैरह देता हूँ, उसके बाद फिर जाएंगे शहर। ओहो पसंद बहुत आ रहा। शाम को मैंने अपनी चैंपल भी ले ली थी, क्योंकि जब सिस्टर ने पैसे भेजे थे ना तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि अभी पैसे कम में, तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, तो मेरी चैंपल बिल्कुल टूटी हुई थी। ये सैंडल लगाए थे देखो, सारा टूट गया था। चैंपल मेरी न्यू हो गई है, तो गोरी की भी अभी चैंपल सही पड़ी है, तो चैंपल हम दोनों की सही है। अभी मैं जा रहा हूँ शहर, ओके बाय बाय। सुबह अभी निकल रहे हैं शहर की तरफ, तकरीबन मुझे घंटा लग जाएगा पैदल में जाऊँगा, तो अभी ना निकल रहे हैं, तो अभी ये दरवाज़ा इधर चाबी मैंने दे दी गोरी को, तो अगर जाएगी कहीं तो ये लॉक लगा देगी, तो अभी मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, तकरीबन मुझे 2-3 घंटे में मैं वापसी आ जाऊँगा, तो अभी चल रहे हैं सीधा सीधा शहर। सो गाइस अभी ना मैं निकल के आया हूँ घर से, तो यह हमारा घर है, तो अभी आप देख सकते हो पूरा जंगल जंगल। सो गाइस ये आप सामने दरख्त देख रहे हो ना, ये हमारा घर अभी ऊपर देखने में नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ शहर, तो ये सीधी बाउंड्री लेके आगे निकलूँगा, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से निकलते हैं। तो हमारा जो मेन जो बाउंड्री है वो है ये, तो अभी सामने अभी मैं जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ हमारी जो मेन बाउंड्री है वो कौन सी है। सो गाइस ये जो मेन बाउंड्री है ये सीधी लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम आते हैं शहर जाने के लिए या जाते हैं या आते हैं। अभी तकरीबन 3 किलोमीटर निकाल के आया हूँ, तो आज मैं एक हूँ गौरी साथ नहीं है, अगर वो होती तो ज़्यादा लेट हो जाता, सीधा रोड लेके जाऊँगा। अभी भी तकरीबन 2 किलोमीटर ये सीधा रोड है, उसके बाद यू टर्न लेगा 2 किलोमीटर ये जो रोड था ना ये अभी मैं निकाल के आया हूँ, तकरीबन 3 किलोमीटर रहता है वो अभी निकालेंगे, तो अभी मैं सीधा ये रोड लेके जा रहा हूँ। आप देखोगे तो मेन रोड है जो कि जाता है हैदराबाद और दूसरा इस तरफ जाता है हमारी सिटी, तो अभी वो जा रहे हैं, और भी आपको वो बोर्ड भी दिखाते हैं कि हमारे गांव का नाम क्या है। हमारे गांव का नाम दूसरा है, लेकिन ये साथ में जो एक गाँव है तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर, तो उसका गाँव का नाम है, तो अभी चलते हैं आगे। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर रहता है, अभी मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ कौन सा बोर्ड है। सो गाइस ये जो खान मोहम्मद लिगारी ये है 5 किलोमीटर, तो इससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, तो ये आप देख रहे हो ना ये हमें बिल्कुल नज़दीक लगता है दरगाह कंगन पीर, तो ये हमें तकरीबन 10-15 मिनट हम पैदल जाएंगे तो इस दरगाह पे हम पहुंच जाएंगे। सीधा रोड लेके जाऊंगा अपने शहर, ये जो रोड है ये आगे जाएगा हैदराबाद, तो अभी मैं ये रोड आगे लेके जा रहा हूँ सीधा। सो गाइस ये रोड मैंने मुकम्मल कर दिया, अभी ये रोड है, तो अभी यहाँ शहर में इन होंगे। सो गाइस अभी ये सीधा आगे लेके जाऊंगा, ये हमारा शहर है। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ इजी पैसा शॉप पे, तो यहाँ से पैसे निकालेंगे। सो गाइस अभी हमने 2500 निकाली है, अभी ज्यादा पैसे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा खतरा होता है वहाँ हमारे घर में, तो इसमें हमारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएगी। सो गाइस अभी यहाँ से मैं लूंगा सामान अपने घर का, तो पकौड़ों का आटा और भी बहुत सी चीज़ें वो सारी इस शॉप से लेंगे। दो ये ले लेते हैं। अभी ये ले लिए मैंने पेटी, तो सही है और वजन थोड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं, सही है ना। इन में गुलाब से होके अभी जा रहा हूँ वापसी अपने घर, अभी हवा बहुत ज्यादा है गाइस, तो अभी मैंने पूरा सामान ले लिया, तो इस पेटी को मैंने फुल कर दिए और उसमें बहुत ज्यादा सामान है। सो गाइस अभी मैं फिर से पहुंच गया इस बोर्ड पे जो हमारे गांव ये रोड जाता है ये, अभी मैं जाऊंगा शॉर्टकट से जहाँ यू टर्न लेता है, तो कच्चा रास्ता है, मैं वहां से जाऊंगा, वहां मैं जल्दी पहुंचूंगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। 10-15 मिनट रेस्ट करता हूं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा आगे। मुझे लेना था दिला, लेकिन दिला हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वजन था, तो मैंने कहा उठाया नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा रक्षे वगैरह में, या ये सामान वगैरह नहीं होगा ना,
तो वो दिला भी लेंगे, और एक दो चीज़ें लेनी है वो भी हम लेंगे। आधा किलोमीटर रह गया तो अभी कच्चे रास्ते पे पहुंच गए। ये सामान मेरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो अभी इधर से पानी पीते हैं और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा घर। सीधी बाउंड्री लेके मैं जाऊँगा घर अपने। तो ये सामने आप देख रहे हो ज़्यादा ये पेड़ वगैरह ये वाले, तो यहाँ मिलूँगा तो आ जाए मेरा घर। सो गाइस अभी ये मैंने सामान यहाँ रख दिया और अभी आपको आगे मैं दिखाता हूँ मेरा घर कहाँ है। तो ये मैंने बाउंड्री सीधी लेके आया हूँ, आगे वहाँ था वाटर, तो वाटर से मैंने हाथ मुँह धुलाई की और उसके बाद ये सीधी बाउंड्री लेके अभी सीधा जा रहा हूँ आगे। अभी ये सामने आप देख रहे हो ये मेरा घर, ये अभी यहाँ से देखने में नहीं आ रहा लेकिन ये उंगली का जो इशारा है यहाँ है मेरा घर। तो अभी सीधे चलते हैं वहाँ। सो गाइस बहुत ज़्यादा वजन है, पहुँचने वाला हूँ। गोरिया जा जा, ये देखो इतना वजन यार, पकड़ो 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 ये। सो गाइस एक हाथ में बिल्कुल नहीं उठा रहा, इतना वजन है, दोनों हाथ से मैं उठा रहा। इधर रख दे भैंस, इधर इधर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। आज खुश हो? हाँ सो गाइस आज गौरी देखो कितनी खुश है, बहुत ज़्यादा हंस रही है। और ये पकौड़े में लेके आया, मिठाई लेके आया गौरी के लिए, सुर्खी लेके आया गौरी के लिए, और चूड़ियाँ भी गौरी के लिए लेके आया हूँ। भी आए पकौड़ों वाला आटा भी लेके आया हूँ, गौरी कह रही थी पकौड़ों वाला आटा लेके आना, तो आटा भी लेके आया हूँ। ये आटा है, एक हलवे का पकौड़े का है, दूसरा वो नहीं मैदे का आटा जिसमें उफराटा वगैरह बनाते हैं, मिर्च और चैनक बिरयानी मसाला भी लेके आया हूँ, कुरमा मसाला भी लेके आया हूँ, ये हम सालन वगैरह में लगाएंगे। तो ये आयल में बहुत बड़ी लेके आए, ये तकरीबन हमें एक माह हो जाएगी नहीं। तो कैसे आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, चावल भी लेके आया हूँ। सुबह आज ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो अभी गोरी देखो ज़्यादा खुश हो रही है। तो अभी ना हम पकौड़े शकौड़े ये खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद बोतलें शोतलें पियेंगे। तो ये अभी सामान बहुत ज़्यादा अभी आ गया है। सुबह अभी देखो कितना सामान मैं ज़्यादा लेके आया हूँ, तो ये अभी पड़ा है, ये पड़ा है, ये तकरीबन ये 3500 का सामान लिया है मैंने। अभी 3500 मैंने निकाले थे, दूसरे पैसे अभी बहुत पड़े हैं, वो अभी मैंने नहीं निकाले क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा राशन मुकम्मल हो गया है, अभी एक दिला लेना है मिट्टी का और एक बाल्टी जो सुबह गोरी ले गए साथ वाले गांव से, तो दो चीज़ें अभी हमें लेनी है, वो नेक्स्ट टाइम हम कभी लेंगे। तो अभी दो आज खाना नहीं बनाते हैं, तो पकौड़े में बहुत ज़्यादा लेके आए, मिठाई भी लेके आए, तो ये बोतल वगैरह ये पीते हैं और आज खाना नहीं खाते, अभी हम हो जाएंगे फुल। तो अभी गोरी भी देखो कितनी खुश हो रही है। अभी हम दिहाड़ी पर नहीं जाएँगे, मैं पूरा कोशिश करूँगा यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। अभी भी तकरीबन एक माह तक हो जाएंगे, इतने पैसे पड़े, एक माह का हमारा राशन मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी हम फालतू पैसे नहीं तोड़ेंगे, जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली, तकरीबन एक माह का अभी राशन हमारा हो जाएगा। तो अभी ये ख़त्म होगा फिर हम लेके आएंगे। ऐसे गौरी दो ढाई बजे कॉल की थी सिस्टर ने, मैं गया था बेल शॉप पे तो गौरी निकाल उठाई। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि गौरी किस तरह से बात की होगी, गौरी उर्दू आती नहीं, दो मिनट तक बात की तो अभी मैं परेशान हूँ किस तरह से बात हो की होगी। तो वैसे अभी ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो अभी ना बहुत ज़्यादा खुश हैं और अभी बहुत ज़्यादा अभी सुकून भी आ रहा है। अभी शाम के बजे 5:30, तो अभी इस व्लॉग करेंगे इधर एंड। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खैर आप और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।